अंदर आ जाओ। बहन जी अब आपके सिवा हमें कोई नहीं बचा सकता। बहन जी कोई नहीं बचा सकता, पुलिस खिलाफ, कानून खिलाफ, सरकारी अफसर खिलाफ, नेता खिलाफ। हम आदिवासियों को बचा लीजिए बहन जी। बहन जी वहाँ पर वो लोग वहाँ होटल खोलना चाहते हैं, इस मुसीबत से हमें बचा लीजिए बहन जी। इस तरह डर डर कर कब तक जियोगे तुम लोग? हम बेबस लोग और कर भी क्या सकते हैं? पुलिस और गुंडों की ताकत मिलकर बस्ती को उजाड़ देगी, और हम बगावत करें तो भी किसके सामने? ये है बगावत। कल इस आर्टिकल के छपते ही जितने खरीदे हुए नेता है ना, उनकी कुर्सियां हिल जाएंगी, और कल तक जो तुम्हारे भक्षक थे ना, वही तुम्हारी रक्षा के लिए तैनात हो जाएंगे। वाह 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 कलम वाली भाई वाह, अखबार के दम पर गरीबों के झोपड़े बचाने निकले हैं, वाह वाह। लेकिन वो जमाना गया जब अखबार को लोग तोप समझते थे, अब तो धंधा बन गया अखबार। पैसा कमाने के लिए कुछ भी उल्टी सीधी हेडलाइन छापते हैं ये लोग। बाला साहब की चेतावनी, अडवाणी अज्ञातवास में, इमाम की गिरफ्तारी, मजाक होगा ये तुम्हारा अखबार। और एक बात जानती हो, तुम्हारे अखबार पर सुबह बच्चे हकते हैं। ये तुम्हारी गलतफहमी है, अखबार में बहुत ताकत है, तक पलट देता है अखबार। सहमे हुए लोगों में ज्वाला भड़काकर क्रांति लाता है ये अखबार। अरे 47 से कौन सा तख्त पलटा? जो लोग गीता रामायण कुरान पढ़कर नहीं जागे, वो तुम्हारा अखबार पढ़कर कौन सी क्रांति लाएंगे? सोने दो इनको, बरसों से सोने की आदत पड़ी है उनको, सोने दो सोने दो। बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, तो सामने आ, उन बेबसों का हाथ थाम, जगा उन्हें। अरे जगाया तो जिंदा लोगों को जाता है, मुर्दों को नहीं। यहाँ है कौन जिंदा? ना इश्क में हो जनरेशन गैप, हम मिलके करेंगे आज। लव रैप टिंगडिंग टिंगडिंग, लव रैप टिंगडिंग टिंगडिंग, लव रैप। नेहा बहन, मेरे पति को फैक्ट्री जाना है, मुझे जल्दी पानी भरने दो। अच्छा भर लो। बहन तुम्हारे यहाँ तो किसी को काम पे नहीं जाना है, हमारे घर सब काम काजी हैं। मुझे पानी भरने दो ना। ठीक है। अरे ओ उजड़े जवान, अच्छाई उतनी करो जितनी अच्छी लगे, ज्यादा अच्छाई में प्यासे रह जाओगे। अरे वो कल्याण जी भाई सूचे आ गोला बजाओ छो। अरे एक बीड़ी तो पी उड़ाते जाओ। अरे मेरे पास एक बीड़ी है यार, वो भी बाजू वाला हुसैन भाई से मांग के ली है, इतने बचाए दे। अरे वही दे देना। अरे ये तेरे को दे दूंगा तो मेरे को उधर वादे हो जाएंगे ना, समझ तो क्या। बस समझी गए समझी गए, भिखारी कहीं का बीड़ी भी मांग के पीता है, एक बंडल नहीं खरीद सकता। अरे अरे मेरा डिब्बा लेके चला गया, अरे मेरा काम खराब हो जाएगा। माँ मुझे भूख लगी है, चलना माँ। अभी चलती हूँ, पानी भर लो। गुड मॉर्निंग कलम अली भाई। स्टूपिड, खाना बकना। कैसी होने आ बहन? ठीक हूँ, पहले आप ले लीजिए। ये भी गया। देखा आज भी तुझे पानी नहीं मिला। तू वक्त से पहले आ जाती है फिर भी, और मैं बाद में आती हूँ फिर भी। देखा उजड़ा जवान, इसीलिए तो कहता हूँ वक्त के साथ चलो, वक्त के आगे चलने वाले भी पैसे, पीछे चलने वाले भी पैसे। अपना देख कैसा टाइम पे है साहब। माँ चलना माँ, भूख लगी है, खाना देना। चलते हैं। देखा देखा उजड़े जवान, हमारे देश का भविष्य भूखा भी और नंगा भी। यहाँ सुबह लोग उठकर खाने को रोटी मांगते हैं, पढ़ने को अखबार नहीं। तू इतना समझदार है, अरे जो बातें तू मुझे सुनाता है वो जाकर लोगों को क्यों नहीं समझाता? मैं समझदार हूँ या अखबार में भी आ गया क्या? अरे जो मुंह में आता है वो बक देता हूँ। अरे मगर प्रताप तू जो भी बकता है ना उसमें सच्चाई होती है, अरे कहीं ना कहीं छुपी हुई आग होती है। हंसता क्या है? अगर यही बातें तू लोगों को जाकर समझाएगा तो मुझे अखबार में लिखने की जरूरत क्या है? तू कहता है ना कि गरीब अखबार नहीं पढ़ते, मगर तेरी आवाज तो सुन सकते हैं। सुन लो आवाज, अब रामवाणी शुरू होगी। कुतिया कमीनिया हरामजादी, पानी भरने गई थी आंख में धक्का करने। हाँ बोल, आखिर तुझे पानी क्यों नहीं मिलता? सबको पानी मिलता है, तुझे नहीं मिलता। चल हट, अब बर्तन कैसे धोएगी, कपड़े कैसे? बचा लो मेरी माँ को, बचा लो मेरी।
गरिमा को वरना बुआ उसे मार डालेगी। देख छोटू, आदमी एक बार किसी की मदद का मोहताज बन जाता है ना, जिंदगी भर इसी तरह गिड़गिड़ाता रहता है। तेरी माँ खुद बचा ले। मैं तो इतना छोटा हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ? क्या कर सकता हूँ मतलब, रास्ते पर बिजली के बल्ब तोड़े हैं कि नहीं? हाँ तोड़े हैं। तो फिर सोचता क्या है, माँ से एक पत्थर उठा और उस चुड़ैल के सर को बिजली का बल्ब समझ कर तोड़ दे, हमेशा के लिए झंझट खत्म। चल भाग। मेरे भाई को तो खा रहे हो, मेरे सीने पे बैठी है। मुझे किसने मारा? क्या हुआ जीजी? तू रक्षा करना जानता है और सजा दिलवाना भी जानता है, न्याय क्या है ये तू अच्छी तरह जानता है, तो फिर हर बात को तू हंसी में क्यों डाल देता है? अरे खुद भी जाग और लोगों को भी जगा। अरे फिर ये जागने जगाने की बात, अरे एक कलम वाली भाई, मैं तेरे पाँव छूता हूँ, मेरे को उसल पाँव खाने दे। मुझे गांधी नहीं बनना, मुझे सुभाष चंद्र बोस नहीं बनना, मैं भूखा हूँ, मुझे खाने दे, क्यों मेरे पीछे पड़ी है? समाज सुधारक बनानी चाहिए मुझे। पागल हो गया क्या? नाश्ता नहीं करने देती है। गुड मॉर्निंग डैडी। गुड मॉर्निंग डैडी। गुड मॉर्निंग। दिन निकल आया फिर भी आपकी सुबह अभी तक नहीं हुई। आठ। अरे बेटी नींद पूरी ना हो ना तो मेरा पूरा दिन खराब जाता है। पहले आप मेरा आज का दिन तो अच्छा कीजिए। मुझे कुछ रुपयों की जरूरत है, मेरी कॉलेज की ट्रिप शिमला जा रही है। रुपए? ये लो तिजोरी की चाबियां, जितने पैसे चाहिए निकाल लो। थैंक यू डैडी। जा। हेलो। नींद से जागो योगराज, और आज का अखबार पढ़ो। अब तुम्हारा कांडवा गांव में होटल बनाने का सपना सपना ही रह जाएगा। अरे मंत्री होते हुए भी सुबह सुबह ऐसी मनहूस खबर सुनाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती देशमुख? अरे कौन आया हमारे बीच में? अरे वही अखबार वाली मेघा दीक्षित, और कौन? आज के हर अखबार में हेडलाइन के साथ गांव के आदिवासियों की हिफाजत के लिए लंबा चौड़ा लेख छपा है, पढ़ो पढ़ो। और तुम तो जानते हो कि उसके नाम के चर्चे दिल्ली तक हैं। और आज ही दिल्ली से कांडवा गांव की सुरक्षा के लिए हॉटलाइन पे अभी अभी मुझे फोन आया है। अब मुझे मजबूरन वहां पर पुलिस भेजनी पड़ेगी। तो फिर उस बस्ती को खाली करवाने का कोई रास्ता नहीं? बस एक ही रास्ता बचा है योगराज, और वो है चतुर सिंह चिता। इसको देखते लोग खामोश क्यों हो गए? तू जानता नहीं इसे? नहीं। ये चतुर सिंह चिता था। अच्छा, जुर्म की दुनिया का बेताज बादशाह। हाँ? उसकी गाड़ी का नंबर देखा? नहीं। AIK No. 1। मतलब? मतलब ऑल इंडिया किंग नंबर वन। अच्छा, जहाँ जहाँ जाता है खामोशी छा जाती है। लकी नंबर एक सदा एक सदा। खोल कर लगा। अबे क्यों रोक दिया चक्कर हराम जाते? मेरा नंबर लग रहा था। अरे चुप्पे। क्या? कौन था ये हराम का? चतुर सिंह जी वो नया आदमी था, आज ही क्लब में आया था, इसलिए आपकी हुकूमत और कानून के बारे में बिल्कुल नहीं जान पाया। दयाल, यहाँ आने वाले हर एक आदमी को यह पता होना चाहिए कि चतुर सिंह चिता के कानों को ऊंची आवाज बिल्कुल पसंद नहीं। जी। मगर चंद्रसेन, तुम्हें यकीन है कि चतुर सिंह हमारे मामले को हल कर देगा? अरे हाल का क्या? अरे हाल का क्या बात करता है योगराज, जरा सोचने का बात है। बैठो बैठो। अरे आजकल हम जैसा नेता भगवान का कम चतुर सिंह का चौखट ज्यादा चुमता है। अरे हमारा गॉडफादर है चंद्र सिंह। 16 आने सच कह रहा है योगराज, चतुर सिंह की हां ना में हमारी मिनिस्ट्री उलट पलट जाती है। देशमुख, और किसको उल्टाना पलटाना है? अरे नमस्कार दादा। नमस्कार, बैठो बैठो। क्या बात है भाई, आज सुबह सुबह दोनों पार्टी के नेता हमारे घर में? देश के हालचाल तो ठीक है ना? अरे दादा, देश का हालचाल कैसा भी हो, हम लोगों का हालचाल एकदम ठीक है, गिरे है। और दादा इनसे मिलिए, ये हमारा शहर का जाना माना फेमस बिल्डर योगराज बाबू, खूब भालो मानोश। नमस्कार। नमस्कार। हाँ, नेता और बिल्डर साथ में, यानी कि मामला गड़बड़ है। ज्यादा ज्यादा गड़बड़ नहीं है चतुर जी, बस वही कांडवा गांव के आदिवासी बस्ती की समस्या है,
वहां के आदिवासियों की जागृति ने केंद्र को झका दिया है, इसलिए मुझे वहां पुलिस फोर्स भेजने का ऑर्डर मिला है। और दादा दूसरी ओर योगराज जी का होटल हनीमून का कार्यक्रम एकदम फिट हो गया है, और ये करोड़ों का नहीं अरबों रुपये का मामला है। इस बार भी हर बार की तरह आपका बराबर बराबर का हिस्सा है। अरे भाई तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? पुलिस वालों को तुम लोग हटाओ, आदिवासियों को मैं हटाऊंगा। अरे दादा, अरे पुलिस वहां से हटेगा कैसे? उसको तो देशमुख बाबू ने ही भेजा है। लेकिन मैं भी क्या कर सकता था है? मेरे पास ऊपर से ऑर्डर आया था, क्या कर सकता था मैं? पुलिस को कहीं भी भेजना तुम जैसे नेताओं का काम, और उनको वहां से हटाना हम जैसे चतुरों का काम। क्या क्या कहा? अरे शहर में इतना बड़ा हादसा हो गया है और आपको कांडवा गांव की पड़ी है? कैसे कमिश्नर हैं आप? सुनो 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 कमिश्नर सुनो, शहर में शांति सुरक्षा और गुनहगारों की गिरफ्तारी के लिए पूरी पुलिस फोर्स लगा दीजिए। हाँ, और सुनिए, वो जो कांडवा गांव में आपने पुलिस रख छोड़ी है उसे यहाँ बुलाइए शहर में, बस यही मेरा ऑर्डर है। मगर इस हालत में अगर वहां कुछ हो गया तो? वहां जब होगा तब देखा जाएगा, अभी यहां हो रहा है, यहां का देखिए, यहां का सोचिए। हाँ, और मुझे समझाने की कोशिश मत कीजिए, कांडवा गांव से पुलिस हटाइए बस। रुक जाओ, इस बस्ती पर बुलडोजर चलाने से पहले तुम्हें मेरी लाश पर से गुजरना होगा। मेघा जी हमें बचा लीजिए, ये देखिए ये लोग गोलियों से डराकर हमें बेघर कर रहे हैं, हमारी बस्ती उजाड़ रहे हैं, हमें बचा लीजिए मेघा जी, हमें बचा लीजिए। अरे तुम सब कौन हो? 10-15 गुंडों का मुकाबला तुम पूरा गांव मिलकर नहीं कर सकते? अबे ओ सामना करने वाली, एक दूंगा ना तो बोलते हुए जुबान बाहर निकल जाएगी, तू है कौन हमारे बीच में आने वाली? क्या ये वही अखबार वाली है? हाँ हाँ मैं वही अखबार वाली हूँ। अरे ये भाड़े के टट्टू, तुम्हारी धमकी बमकी यहाँ नहीं चलेगी, चलो बाहर निकलो यहाँ से। चला दो बुलडोजर, मिटा दो सारी बस्ती को। नमस्ते। नमस्ते, आइए। देख ली ना कलम की ताकत, प्रेस वाले उल्टा सीधा लिखते तो उनकी भी आजकल पिटाई होती है। लगता है तुम्हारे लिखने से गलत लोग जाग गए हैं। क्या मिला? म्यूनिसिपैलिटी के अस्पताल की ये खटिया, यहां डॉक्टर नहीं खटमल खून की जांच करते हैं। आंदोलन करो तो ये हालत, भूख हड़ताल करो तो पुलिस मुंह खोलकर अंदर मौसमी का रस डाल देती है। जाने दो ना, काय को एक साफ सुथरी नौकरी करो, टाइपिंग आती है। तू मुझे देखने आया ताना देने? नहीं ताने नहीं, बताने आया हूँ। मतलब क्या है कि वो तू वहां गई थी ना, वो आदिवासी की कांडवा में गई थी ना, वहां वो जगह, वहां मैदान हो गया, पूरा मैदान, बच्चे वहां गिल्ली डंडा खेलते हैं। कुछ दिनों के बाद वहां रिसोर्ट बनेगा, बड़ा होटल, विदेशी लोग आएंगे भारतीय संस्कृति का अभ्यास करने, फिर हमारी आदिवासियों की नंगी फोटो खींचेंगे, लेके जाएंगे, दिखाएंगे, डार्लिंग यह है इंडिया, बैड टेस्ट। तू कहना क्या चाहता है? नहीं कहना क्या, अरे अतुल तू बैठ, घर की बात है, बैठ बैठ बैठ। एक्चुअली द प्रॉब्लम इज क्या मतलब एक्चुअली द प्रॉब्लम इज अरे क्या एक्चुअली, सीधे हिंदी में बात करना, बात यह है कि शिमला में बर्फ गिरेगी तो ये आत्महत्या करेगा। शिमला में बर्फ पड़ेगी तो ये आत्महत्या करेगा? हाँ, वो ममता का ये है ना, वहाँ बर्फ गिरेगी तो उसको सर्दी होगी तो ये दुखी होगा तो आत्महत्या करेगा, ये जाना चाहता है वहाँ भाड़े का, वो थोड़ा भाड़े का पैसा, भाड़ा गाड़ी भाड़ा चाहिए, मतलब उधार चाहिए? नहीं उधार नहीं, फ्रूट फ्रूट 30 रुपीज। ये तो मेरा फर्ज है, 30 रुपीज दिए है ना, क्या 30 रुपए
क्या है कि भाड़ा नहीं देना ये कायदे से गुनाह है। पिछले 3 साल से आपने भाड़ा नहीं दिया, मैंने सोचा कि मैं जाके ये कायदा सिखाने आया है मुझे। नहीं, मेरी हालत में मुझसे भाड़ा वसूल कर रही है। ऐसी क्या बात कर रही हैं आप? मैंने कहा था ना कुछ नहीं होगा, फोकट में 30 रुपए भी गए। अरे यार कमाल की लड़की है, फूल की जगह फल फेंकती है। अब मेरे शिमला जाने का क्या हो गया यार? डॉक्टर विश्वनाथ? यस डॉक्टर विश्वनाथ। हाँ क्या बात है? डॉक्टर विश्वनाथ, अभिनव केमिस्ट के वहाँ आप यहाँ की दवाइयाँ और इंजेक्शन चोरी से बेचने आते हैं ना? ए चुपे, ए किडनी चोर, ज्यादा बात मत कर, खून बेचता है यहाँ से, मेरे को सब मालूम है, मैं सबको बोल दूंगा। बंद कर, मत खोल इधर। मुंह मत खोल, तो जेब खोल, चल कितना है बोल। अरे 500 रुपए है। साला इतना कमाता है और 500 रखता है, चल हट हट, बाहर मत बोलना। अरे साला तेरे जैसे गंदे आदमी से कभी पैसा नहीं लेता, मजबूरी है इसलिए। 500? अरे इससे क्या होगा यार? अरे पूरा चक्कर घुमाऊंगा, चल। लकी नंबर लगाओ, 1 का 10 1 का 10, दिल खोल कर लगाओ, 1 का 10 1 का 10। इधर भी उजड़ा चमन। मैडम लगता है आज आपका लक फेवर नहीं कर रहा। अरे चल प्रताप, चल कहीं और चलते हैं यार, चलना यार। चल 500 रुपए लगा देते हैं, बनी तो बनी, नहीं तो अब्दुल गनी। अरे कुर मिला के 500 रुपए हड़पे हैं, वो भी चले गए तो पेट्रोल के भी वांदे हो जाएंगे। रात को कौन पेट्रोल देखता है यार। अरे तेरे तो भी धनिया की आदत है, मालूम नहीं यार छोटा मगज। हाँ मालूम है। चल ए उजड़े चमन, अंधेरे में चश्मा पहनकर लोगों को उल्लू बना रहा है, आंखें तो ठीक है ना तेरी? मेरी आंखें बिल्कुल ठीक है, ये देखो। लगता है तुम्हारी आंखों में कुछ खराबी है। क्या बकवास करते हो, कौन हो तुम? अरे क्या बात कर रहे हो, आप इन्हें नहीं जानते? ये शहर के मशहूर आई सर्जन डॉक्टर झुंझुनवाला है। डॉक्टर झुंझुनवाला? डॉक्टर साहब मुझे माफ कीजिए, प्लीज बताइए ना मेरी आंखों में क्या खराबी है। मेरी आंखों में आंखें डालकर देखो। अब तुम वही करोगे जो मैं कहूंगा। अतुल लगा दे 500 की हरियाली। तो ये मेरे 500 रुपए 31 नंबर पे। 31 31, 3 के ऊपर 1, घुमा दे चक्कर। ये आपके 5,000। उजड़े चमन, 5,000 के कितने होते हैं? 50,000। अतुल तो घुमा दो चक्कर 5,000 का 33 नंबर पर। मिला जाएगा, ओए मिल गए 50,000, तू गाना गाएगा।